एक बात तो और स्पष्ट हो गई है, सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ, उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से